हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन थ्योरम। तो जो सुपरपोजिशन थ्योरम है, इसका मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ विद न्यूमेरिकल, उसमें एग्जांपल के साथ में मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको आप देख लो। उसके बाद जो सुपरपोजिशन थ्योरम है उसका स्टेटमेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले। तो मैं एक बार उसको स्टेटमेंट को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। और वो स्टेटमेंट क्या था, इन एनी लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट, देख लो वर्ड पर ध्यान जाना, लीनियर भी है बाई डायरेक्शनल, इन एनी लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्सेज, देन द रिस्पॉन्स इन एनी ऑफ द ब्रांच, किसी भी एक ब्रांच रिस्पॉन्स इन एनी ऑफ द ब्रांच इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल सोर्सेज वाइल रेस्ट ऑफ द सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाई इट्स इंटरनल इम्पीडेंस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक ऐसी सर्किट है जिसके अंदर, उस सर्किट के अंदर हमारा क्या है कि लीनियर हो, वो सर्किट लीनियर हो, बाई डायरेक्शनल हो और मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो, एक से अधिक इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो। तो ऐसे नेटवर्क के अंदर हमें अगर रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना हो, रिस्पॉन्स एक तरह से क्या है कि या करंट या वोल्टेज पता करना हो किसी भी एक ब्रांच में, माना कि कोई मेरी सर्किट है उसमें किसी भी ब्रांच में मुझे करंट या वोल्टेज पता करना हो, तो उसके लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या करेंगे, द रिस्पॉन्स इन एनी ब्रांच इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिस्पॉन्सेज कॉज्ड बाय इंडिविजुअल सोर्सेज। मतलब कि जो इस एक ब्रांच के अंदर अगर हमें रिस्पॉन्स पता करना है तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स निकालेंगे हर एक सोर्सेज से, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज माना दो हैं तो दोनों से एक एक बार निकालते हैं, पहले एक को हम एक्टिव रखेंगे दूसरे को इनएक्टिव रखेंगे। तो पहले से जो हमारा रिस्पॉन्स आया है फिर उसके बाद हम पहले को इनएक्टिव करके दूसरे को एक्टिव करेंगे और उसके बाद उसका दूसरा रिस्पॉन्स निकालेंगे, उन दोनों रिस्पॉन्सेज को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो जो रिस्पॉन्स आता है वो हमारा ओवरऑल रिस्पॉन्स आता है। और जब हम एक को एक्टिव रखेंगे, जब दूसरे को इनएक्टिव करेंगे, इनएक्टिव का इतना मतलब है उसको हम उसके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करेंगे। इंटरनल इम्पीडेंस क्या होता है कि अगर मैं वोल्टेज के लिए करूँ तो वोल्टेज का इंटरनल इम्पीडेंस होता है जीरो, तो हमेशा वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे। और करंट सोर्सेज का इंटरनल इम्पीडेंस बहुत इनफाइनाइट होता है, एक तरह से हाई होता है, तो इसलिए हम उसमें करंट सोर्स को हम ऑलवेज क्या करेंगे, ओपन सर्किट, वोल्टेज सोर्स को हमेशा शॉर्ट सर्किट करेंगे, करंट सोर्स को हमने, मैंने पूरा वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई सुपरपोजिशन थ्योरम को किस तरह से सोल्व करते हैं। अब देखो, अब हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। पहली बात, मेरा लीनियर और बाई डायरेक्शनल, लीनियर के लिए मैंने बता दिया मेरा जो रेजिस्टेंस है वो एक लीनियर डिवाइस है क्योंकि आई और वी जो उसका रिस्पॉन्स बनता है वो क्या है, लीनियरली होता है। जो डायोड है वो नॉन लीनियर डिवाइस है क्योंकि उसका जो देखो डायग्राम देखा हो तो कुछ इस तरह का बनता है जिसमें आई और वी का जो वेरिएशन है वो क्या है, लीनियरली नहीं होता, लीनियर क्या होता है, रैखिक। ठीक है, तो अब देखो मैं एक एक क्वेश्चन पे आता हूँ। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एसेंशियली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ, इसका मतलब पूछ रहा है जो सुपरपोजिशन थ्योरम है जिसको क्या बोलते हैं, अध्यारोपण प्रमेय है, वो किस बेस्ड, कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है, जैसे कि हमने मैंने अभी बताया था कि ए लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल। तो देखो, रेसिप्रोसिटी बोला था नहीं बोला, ड्यूलिटी बोला था नहीं बोला था, नॉन लीनियरिटी बोला था नहीं बोला था, मैंने क्या बोला था, लीनियर। तो लीनियर इसका मतलब इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, लीनियर। तो हमारी जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो लीनियरिटी कंसेप्ट पर बेस्ड होती है। सुपरपोजिशन थ्योरम हमारी जो किस कंसेप्ट पर बेस्ड होती है, लीनियरिटी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। दूसरा क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नेटवर्क कंटेनिंग, देखो कुछ एग्जामिनर्स क्या करते हैं कि बहुत चालाकी करते हैं और वो छोटा सा नोट लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, छोटा सा नोट जो हमें उस वक्त दिखता नहीं है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर नोट लिखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो पहले ही कान खड़े हो जाने चाहिए और नोट पर हमेशा गोला कर देना चाहिए जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब इसमें ये नॉर्मल नहीं पूछ रहा, इसमें आप पूछ रहा नोट, सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू द नेटवर्क कंटेनिंग, मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे नेटवर्क में एप्लीकेबल नहीं होती है। पहला क्वेश्चन था कि किस, कौन सा कंसेप्ट मतलब एक तरह से एप्लीकेबल है, दूसरे में पूछ रहा है नहीं होती है। तो दूसरे में देखो हमारे पास चार ऑप्शन है, नॉन लीनियर एलिमेंट, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस, डिपेंडेंट करंट सोर्सेस एंड ट्रांसफॉर्मर। तो देखो हमारे क्या है, मैंने कहा था नॉन लीनियर इंडिपेंडेंट सोर्सेज पर उसमें डिपेंडेंट सोर्सेज हो सकते हैं, पर नॉन लीनियर हमारे मोर देन वन होना चाहिए,
बट अब इसमें जैसे मैंने बताया था कि लीनियर, मैंने स्पेशली बोला था लीनियर, तो नॉन लीनियर का मैंने जिक्र नहीं किया, तो नॉट एप्लीकेबल मतलब नॉन लीनियर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगी. सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर एलिमेंट्स. किसके लिए? ओनली लीनियर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है. और क्या है कंसेप्ट, कौन से कंसेप्ट पर बेस्ड है? लीनियरिटी पर. अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम डिस्कस करते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, दोबारा से आ गया नॉट एप्लीकेबल, मतलब किसके लिए सुपरपोजिशन थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस को देखना है. तो जैसे देखो किस किस के लिए, वोल्टेज कैलकुलेशन के लिए, बाइलेटरल एलिमेंट्स के लिए, पावर कैलकुलेशन के लिए, पैसिव एलिमेंट्स के लिए. जब मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम कराई थी तो देखो उसमें मैंने क्या है कि रेजिस्टेंस लिए थे, तो रेजिस्टेंस क्या है, पैसिव कंपोनेंट है, इसका मतलब पैसिव कंपोनेंट के लिए तो वो हमारी एप्लीकेबल है. उसके बाद मैंने मेरी जब वो बोली थी डेफिनेशन, उसमें बोला था लीनियर बाइलेटरल, इसका मतलब बाइलेटरल के लिए भी ये एप्लीकेबल है. यहाँ पे देखना यहाँ नॉट है, तो ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है, पैसिव, हमारे रेजिस्टेंस पैसिव है तो इसका मतलब इसके लिए भी एप्लीकेबल है. तो बाइलेटरल मैंने बोला था, इसका मतलब बाइलेटरल के लिए भी है. और वोल्टेज कैलकुलेशन, तो वोल्टेज कैलकुलेशन तो हमने करी थी हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम में, तो इसका मतलब ये वोल्टेज कैलकुलेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, बाइलेटरल के लिए भी एप्लीकेबल है, पैसिव एलिमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है. तो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ एक ही है, पावर कैलकुलेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो हम ये याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सुपरपोजिशन थ्योरम कभी भी पावर कैलकुलेशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है. ऐसा क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशन. क्वेश्चन की थोड़ी सी वैरायटी चेंज कर देंगे. देखो जैसे मैंने अगला क्वेश्चन चेंज किया है, वो सेम वैरायटी इसी तरह की है कि जो क्वेश्चन है किस तरह से चेक करें. देखिए इन लीनियर सर्किट द सुपरपोजिशन थ्योरम इज अप्लाइड टू कैलकुलेट. इसमें यह कह रहा है कि एक लीनियर सर्किट है, तो हमारी जो सुपरपोजिशन लीनियर में अप्लाई होती है, तो लीनियर सर्किट है जिसमें सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाइड टू कैलकुलेट. सुपरपोजिशन थ्योरम को हम अप्लाइड करते हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए, तो पहला है मेरा वोल्टेज एंड पावर, दूसरा वोल्टेज एंड करंट, तीसरा करंट एंड पावर, चौथा वोल्टेज करंट एंड पावर. तो देखो जब इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि सुपरपोजिशन थ्योरम हमारे किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होती, पावर के लिए नहीं होती, तो इसका मतलब जिस जिस में पावर है वो ऑप्शन तो मेरे वैसे ही हट गए, वो हट गए, तो मेरे पास बचा क्या, वोल्टेज एंड करंट. तो आपको याद रखना है सुपरपोजिशन थ्योरम हमारी सिर्फ एंड सिर्फ वोल्टेज एंड करंट के लिए एप्लीकेबल होती है, पावर के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है. समझ में आ गया कि जो हमारी ये है वोल्टेज एंड करंट में हमारी किसके लिए एप्लीकेबल होती है, ओनली वोल्टेज एंड करंट उनके कैलकुलेट करने के लिए होती है, ना कि मेरे पावर कैलकुलेट होने के लिए करने के लिए होती है. सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, जो सुपरपोजिशन थ्योरम है एप्लीकेबल फॉर लीनियर सर्किट ओनली, नॉन लीनियर सर्किट ओनली, लीनियर एंड नॉन लीनियर बोथ एंड नन ऑफ दीज. ऐसा ही क्वेश्चन है जो सेम हमारा थोड़ा सा जो ये वाला है, बस थोड़े ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस के जो हैं उनको हमारे क्या है ऑप्शंस को चेंज कर देते हैं. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने दोबारा से कह रहा है कि जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो किसके लिए एप्लीकेबल है. एप्लीकेबल का मतलब है कि वो हमारे किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो किस में कर सकते हैं, लीनियर सर्किट ओनली में कर सकते हैं, नॉन लीनियर सर्किट में कर सकते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों में कर सकते हैं, या नन ऑफ दीज में. मैंने स्पेशली बहुत ही पहले ही कहा है कि जो मेरा स्टेटमेंट में था लीनियर इन एनी लीनियर बाइलेटरल सर्किट, तो इसका मतलब सिर्फ हम कर सकते हैं किसमें, लीनियर सर्किट ओनली में. मैंने अब इस जो भी हैं पांच क्वेश्चन से सिर्फ तुम्हें दो तीन चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए. एक तो सुपरपोजिशन थ्योरम कभी भी पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं ली जाती, सुपरपोजिशन थ्योरम नॉन लीनियर के लिए यूज नहीं की जाती, ठीक है. अब इन दो तीन क्वेश्चनों या अभी मैंने पांच क्वेश्चन ही डिस्कस करे हैं, मैं और डिस्कस करने वाला हूं, तो इसके लिए आपको इस तरह के मेरे पहले थ्योरम को पढ़ना पड़ेगा. एक तरह से पहले थ्योरम का स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद फिर हम और क्वेश्चन डिस्कस करें.